अश्विनी धीर की फिल्म है एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी कॉमेडी होने वाली है, मज़ा आने वाला है, तो बस इंतज़ार है कि जल्दी से फिल्म देखें। सॉरी नहीं, गेस्ट तो हमेशा बहुत पसंद है और हमारे समाज में तो कहा जाता है कि गेस्ट जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, लेकिन जो फिल्मों में हमने देखा है यू नो जो अश्विनी जी दिखाते हैं कि कुछ ऐसे गेस्ट आ जाते हैं जो पर आई एम इंटरप्टिंग। जैसे पहले होता था, हमारे पास फ़ोन्स नहीं होते थे तो लोग ऐसे ही आ जाते थे घर पे, पर आजकल फ़ोन होता है और बिना फ़ोन किए अगर कोई घर पे आ जाए तो एक्चुअली लगता है इतना सारा काम था और अभी आ गए। तो आई थिंक देर आर ऑलवेज टू वेज ऑफ इट एंड आई थिंक दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट ही हैज़ पोर्ट्रेड, कि बिन बताए और अचानक से कोई गेस्ट आ जाए तो तब देवो भव वाली फीलिंग नहीं आती। भाई कैसे हो? अपलोड करने के लायक नहीं है, बट वो जो फीलिंग थी जिस टाइम पे, उस टाइम पे जो खुशी हो रही थी वो अपलोड करना भी ज़रूरी था, पर वो इतना गंदा था अलग अलग करके अगर वीडियो में डालती तो आप लोग देखते नहीं, तो बिल्कुल उसको बैठ के मैंने एडिट किया, पीछे गाना डाला एंड इट बिकेम अ वेरी नाइस वीडियो। बहुत एक्टिव है, बहुत ज़्यादा। अरे ऑल्टरनेट करियर ढूंढ रही हूँ, कुछ ना हो एडिटर बन जाऊँगी फोन में एडिट कर करके। तो देवीनाथ आप सोचो, मैं मेरे लिए तो कितना आसान है, पर इनका ये खुद ही करते हैं बाय द वे। नहीं मैं एडिट कर का मौका नहीं रखता हूँ, मैं एक ही शॉट में बॉडी से वन शॉट में डांस और एक्शन ख़त्म करके रख देता हूँ। स्विट्ज़रलैंड आप जाते हो तो पहली बात तो आपको बता दूँ, हम इंडिया के बाहर जब भी जाते हैं, जब भी किसी ने पूछा कि आप कहाँ के हो, कहीं भी आप चले जाओ, जैसे आप इंडिया बोलते हो तो सबसे पहला वहाँ से पहला शब्द उनसे निकलता है कि बॉलीवुड, तो बॉलीवुड से इंडिया को पहचाना जाता है। और जब बॉलीवुड की बात आती है तो शाहरुख खान उनको कैसे भूल सकते हैं, हर एक कोने में। स्विट्ज़रलैंड इज शाहरुख खान, वहाँ पे सब लोग शाहरुख को जानते हैं एंड इट्स अमेजिंग एक्चुअली। तो वहाँ पे जाके ये पोज नहीं करते तो फिर क्या करते। वेल हम लोग बहुत, मैं तो एक्चुअली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका और ये जाहिर कर चुका हूँ सोशल मीडिया में, बहुत बार उनका रिप्लाई भी आ चुका है, तो वो कमाल का रहता है यू नो। बाहर भी आप देश में जब उनका नाम सुनते हो तो आप बहुत प्राउड फील करते हो, तो आई थिंक इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अच्छा मुझे लग ही रहा था कि अभी वेल वो सही टाइम पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जी जी वेल खुश कभी जल्दी आ जाएगी। तू काई को बोल रहा है बीच में। अच्छा खुशखबरी, अच्छा आगे बताइए डेट्स क्या है, सब कुछ है। नहीं सही टाइम पे आपको बता देंगे और डेफिनेटली आई एम वेरी एक्साइटेड, और जब भी मौका मिलेगा और कुछ उसके बारे में बात करने का तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और तो तब सभी सिर्फ को उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए मैं आपको बताऊंगा कि मैं एक आर्मी हॉस्पिटल में पैदा हुआ हूँ, मेरे डैड आर्मी में थे, तो मुझसे ज़्यादा आर्मी वाला कौन हो सकता, आर्मी स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मेरे लिए तो मैं खुद बहुत इमोशनल हूँ इस सब्जेक्ट को लेकर, लेकिन इसके बारे में बहुत सारा बात हम बाद में करेंगे। मैं नहीं करूँगी इसके बारे में, मैं कोई बात नहीं करने वाली हूँ। नहीं नहीं नहीं, उनके काम की बात ये खुद करेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट राइट नाउ। राइट नाउ ओनली ऑल द बेस्ट टू अश्विनी जी एंड आई हैव वर्कड विथ हिम, आई नो व्हाट अ फैंटास्टिक टेक्नीशियन ही इज, सो दिस फिल्म इज डेफिनेटली गोना वर्क। अश्विनी जी, या थैंक्स, बाय बाय।